अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। ईद मिलाद आप सबको ईद मुबारक, मिलाद उन नबी आप सबको मुबारक। देखिए मटन है, ये 1.5 किलो मटन है, इसकी अब हमें बिरयानी बना लेंगे ईद स्पेशल। चूल्हे को ऑन कर लेंगे, पानी निथार लेंगे इसका। देखिए तेल को डाल रही हूँ, 200 ग्राम तेल है ये, सन प्योर ऑयल। ये डीमार्ट से ले लेके आई हूँ बाटल, ये मंजे 170 पड़ी। देखिए ये ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं इसको। देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मटन को। मटन का कलर चेंज होने तक इसको भूनना है, अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, नमक डालने से क्या होता फ्राई होने में जल्दी टाइम नहीं लेता। देखिए मटन का कलर चेंज हो गया है, अब एक टप में हम निकाल लेंगे पूरा गोश्त। अब इसमें अलग टप में निकाल लेंगे ये। देखिए इसमें हम गरम मसाला डाल लेंगे, एक तेज पत्ता, 2 कश्मीरी रेड चिल्ली और 1 बादियान का फूल, काली इलायची, सिनेमन स्टिक्स, 4 हरी इलायची, 10 से 12 लौंग। चार हरी मिर्ची, बड़े से इसके 4 प्याज डाली हूँ, ये भी इसमें डाल लेंगे। इसे भी अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 4 चम्मच। अच्छे से भून लेंगे। डेढ़ किलो गोश्त डाल रही हूँ, 1.5 किलो चावल डाल रही हूँ। जूस डाल रही हूँ, इसके सीड्स को रिमूव कर लेंगे। टमाटो को डालेंगे, 1/2 किलो टमाटो है ये। देखिए अब पाउडर मसाले डाल रही हूँ। पाउडर मसाले में है रेड चिल्ली पाउडर, नमक, 1 कश्मीरी रेड चिल्ली और चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, ओरिगानो। ये ओरिगानो किधर भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छी टेस्ट बिरयानी बनती है। जो मसाले दिखाती हूँ वो मसाले में आप ट्राई करके देखिए, मेरे बताए हुए मसाले में ट्राई करके देखेंगे तो बिरयानी अच्छी बनेगी।
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी बिरयानी कैसी लगी, आपकी फैमिली मेंबर में किसी को भी पका के खिला सकते हैं। आज मिलाद स्पेशल बना रही हूँ, मिलाद के सदके तोहफ़े से मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर देना। मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे, क्यों फ्राई करके रख लिया है ना हम, इसीलिए इसे ज़रा मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। ये एक बोल दही है, ये 200 ग्राम है घट वाला दही। इसे भी अच्छे से हम साफ करके डाल लेंगे, दही का भी पानी सुखा लेंगे हम, अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छा मसाला अच्छे से पक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे मटन। मटन को भी अच्छे से मसाले में भूनना है, इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसे अब पकने छोड़ेंगे हम, नमक को थोड़ा चख लेंगे। थोड़ा नमक डालना चाहिए इसे, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ नमक के। कभी भी नमक को चावल में होंदे मटन में होंदे नमक को चख करके डाल लेना। इसे अब पकने छोड़ेंगे, थोड़ा मटन गलने तक इसे पका लेंगे। मटन बिरयानी मसाला है, एक टेबल स्पून है, इसमें डाल देंगे हम। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मिलाद स्पेशल बिरयानी बन रही है। देखिए इसमें हरिया धनिया और पुदीना डाल लेंगे, थोड़ा सा चावल में डालने के लिए रख लेंगे। इतना सा रखेंगे, इसे भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। मटन गल गया है थोड़ा, देखिए मटन थोड़ा गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल, देखिए 1.5 किलो गोश्त 1.5 किलो चावल है। अब चावल डाल लेंगे, हमें चावल का पानी अच्छा सा निथारना, अच्छे से निथार के डालना है। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे चावल को, हल्के हाथों से मिक्स करना है इसे। हम चावल के हिसाब का पानी डाल लेंगे, चार कप पानी डाला है मैंने। चावल के हिसाब का नमक डाल लेंगे 1.5 टीस्पून। और थोड़ा फूड कलर इसमें ही मिक्स कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर है ये, केसरी कलर। पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं, ऐसा भी डाल सकते हैं, दोनों एक ही होगा। हल्के हाथों से इसे मिक्स करके हम पक देंगे, पकाने रख देंगे।
और फाई एग है ये। ठीक है, अब डाल देंगे हम दम पे पुदीना। अब दम पे लगाना है इसे, पुदीना हरा धनिया डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम दम पे लगा देंगे। एक टॉवल ले लेंगे, अब इसके हम नीचे तवा रख देंगे। दस मिनट इसे फास्ट में रखना है, उसके बाद में चूल्हे को स्लो कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, बिरयानी पक्के तैयार हो गई है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे हमें। आके देखेंगे बिरयानी को। बहुत ही मजेदार बनी है। आप भी आइए खाने के लिए। देखिए मीलाद स्पेशल बिरयानी बनके तैयार हो गई है। देखिए व्यूअर्स, मेरी बिरयानी को जैसे मैं बताई हूँ वैसा ही ट्राई करके देखना। आपके फैमिली में किसी को भी पका के खिला सकते हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी बिरयानी कैसी लगी। ईद स्पेशल, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड। आओ बा बिरयानी खा लियो, पक गई। आओ बिरयानी खा लियो, समझो। लो बा बिरयानी।